और दोनों टीम रनर्स के साथ पिच पर सेंटर में आए। दोनों टीम के कप्तान अपने टीम ओनर्स के साथ में टॉस के लिए तैयार है। सरबजीत सिंह और रैंसी बुर्जी राहुल इंजीनियरिंग की तरफ से टॉस स्पॉन्सर्ड है और इस फाइनल मैच के टॉस के बॉस सरबजीत और रैंसी बुर्जी। फैन भगत सिंह ने टॉस जीता है और मैं पूछना चाहूंगा उनके कप्तान से कि उन्होंने क्या फैसला किया है। फील्डिंग का फैसला लिया है फैन भगत सिंह की टीम ने, यानी पहले बल्लेबाजी करेंगे अंकलेश्वर इलेवन की टीम। मैं उनके कप्तान से गुजारिश करूंगा एक दो मिनट के लिए यहां पर आए। अंकलेश्वर इलेवन के कप्तान आपको क्या उम्मीद थी इस टॉस के लिए? डीजे बहुत बढ़िया है। आई मैं थैंक यू सर। इस टॉस को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या चाहते थे कि आप पहले बल्लेबाजी करें या पहले निर्णय फैसला?
स्पॉन्सर से लिस्ट नहीं यार, उधर को सही से यार ये सेट करना यार। सरब जी तू बोला लास्ट कौन रह गया ना, लास्ट ही बोला ना उनका, मतलब नाल रह ही गया लास्ट। केपीएल सीजन 6 का ये फाइनल मैच अंकलेश्वर 11 और फैन भगत सिंह बिली बोरा के बीच शुरू होने जा रहा है। एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट ऑन द काउंट ऑफ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's play. बहुत ही अच्छी बॉल, बीट किया बैट्समैन को। मैं कुछ चेयर हल्के से पुश किया और एक रन के साथ खाता खोला फैन भगत सिंह की तरफ से। देविंदर बॉलिंग कर रहे हैं, सोनू सिंह ने एक रन से अपना खाता खोला और टीम का स्कोर का खाता भी खोलते हुए स्कोर पहुंचा दिया है एक रन बिना किसी नुकसान के। फैन भगत सिंह ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंकलेश्वर की तरफ से कवल सिंह और सोनू सिंह सलामी रूप सलामी जोड़ी के रूप में क्रीज पर मौजूद। कट करने की कोशिश लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देवेंद्र की तरफ से, तीन गेंदों में अब तक सिर्फ एक रन दिए हैं। और ये जोरदार अपील, प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश यहां पर, और कोई फर्क नहीं पड़ा अंपायर के ऊपर। स्कोर चार गेंदों के बाद एक रन बिना किसी नुकसान के। अंकलेश्वर 11 की तरफ से कवल सिंह और सोनू सिंह सलामी बल्लेबाज की जोड़ी के रूप में क्रीज पर मौजूद हैं। और उछाल दिया है हवा में गेंद, देखना है कैच हो सकता है कि नहीं, लेकिन एक कैच छूटा, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और बाउंड्री के बाहर। चार रन के साथ कवल सिंह ने अपना खाता खोला है, टीम का स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के। ये एक कैच कितना भारी पड़ सकता है रवि भाई? बिल्कुल रविंदर जी, जैसे कहा जाता है क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस, लेकिन बहुत ही शुरुआत समय है अभी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कितना भारी पड़ेगा कितना नहीं। लेकिन सलामी बल्लेबाज कवल सिंह काफी धुआंधार बल्लेबाज हैं और उनका कैच छूटना शायद ये फाइनल मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। फिर से एक बार बाउंसर, पांच गेंदों के बाद स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के। और इसके साथ ओवर की समाप्ति। दविंदर सिंह ने एक ओवर में वो मिसफील्ड के दौरान जो चौका गया उसके अलावा बहुत ही किफायती गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए। अंकलेश्वर 11 का स्कोर 5 बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के समाप्ति के बाद। प्रेशर मैच केपीएल सीजन 6 का ये फाइनल मैच अंकलेश्वर 11 और फैन भगत सिंह बिली मोरा की टीम के बीच। अगले गेंदबाज के रूप में बॉबी सिंह आए हैं, बॉबी सिंह आए हैं जो सिद्धू मूसेवाला की हमशक्ल हैं।
और बहुत ही जोरदार शॉट लगाया था, लेकिन बाउंड्री पर आसानी से कैच लपक लिया, पहला विकेट गिरा है सोनू सिंह के रूप में। उनका स्थान लेने के लिए जसपाल सिंह आ रहे हैं, वन डाउन। कवल सिंह ने चार गेंदों का सामना किया, चार रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल। सोनू सिंह का साथ देने के लिए जसपाल सिंह आए हैं और इस ओवर की दूसरी गेंद, पहली गेंद पर ही सफलता हासिल की है। बॉबी सिंह ने अगली गेंद, बॉबी सिंह बहुत ही वधिया शॉट फ्लिक किया या फाइन लेग की दिशा से, कोई फील्डर नहीं देते, चार रन डीजे। कोई फील्डर नहीं सी, गैप का पूरा फायदा उठाया इतने बल्लेबाज जसपाल सिंह ने। ते एक होर बाउंड्री, दो बाउंड्री के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9, एक विकेट के नुकसान पर जसपाल सिंह के बल्ले से निकला हुआ यह चौका। सामना करेंगे बॉबी सिंह का, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल फुल लेंथ गेंद, पैरों के बीच, समझ नहीं पाए और बार बार बचे। एक ओवर 3 बॉल तो बहुत स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान थे, अंकलेश्वर 11। अगली बॉल लेके आ रहे बॉबी सिंह, बॉबी टू जसपाल। स्लोअर गेंद आउटसाइड द स्टंप, अंपायर का कोई इशारा नहीं, बहुत ही अच्छी तरह मिश्रण कर रहे हैं अपने डिलीवरीज का। जसपाल सिंह उम्मीद कर रहे थे अंपायर वाइड देंगे बॉल नू, मगर अंपायर का बहुत ही सटीक डिसीजन। अगली बॉल बॉबी टू जसपाल, फिर से एक बार स्लोअर गेंद, ऊपर उछाल पाया है, फाइन लेग की दिशा से पीछे रोक पाएंगे कि नहीं, और नाकाम है। अच्छी कोशिश, 4 रन का इजाफा। इस चौके के साथ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बॉबी सिंह की, फिर से एक बार स्लोअर गेंद, फुल लेंथ। 2 ओवर की समाप्ति तो बाद स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान थे, अंकलेश्वर 11। इतने मैनु रवि जी लग रहा है कि बहुत ही चंगी शुरुआत दी है फैन भगत सिंह 11 ने, रन रेट बहुत ज्यादा नहीं जान दिता है, 6.5 रन पर ओवर का रन रेट सिर्फ हैगा। फाइनल दा मैच है, प्रेशर भी उतना ही ज्यादा है, प्रेशर गेम है ये इंद्रजीत, और इसमें स्थाई और बिल्कुल सटीक शुरुआत ही पूरे मैच का बेस बनाएगी, और अब तक बहुत ही सूझबूझ से बल्लेबाजी की है जसपाल और कवल सिंह ने। अच्छी शुरुआत 13, और अब उसको, इस शुरुआत को कंसोलिडेट करने का समय आ गया है।
बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगले बल्लेबाज गेंदबाज जो है वो अमृत सिंह लाबाना को लाया गया है। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। लिमोरा की तरफ से अमृत सिंह लबाना, अंकलेश्वर 11 के कवल सिंह को गेंद करेंगे। स्क्वेयरिश फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, और बहुत ही बढ़िया शॉट दिया है फील्डर उसके नीचे, और ये ड्रॉप। फाइनल मैच का ये प्रेशर। के फील्डर्स के बीच में साफ दिखाई दे रहा है। आसान सा कैच यहां पर छूट गया उनके हाथ से और एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला कवल सिंह को। जे हो जे आसान कैचेस फैन भगत सिंह दे प्लेयर मिस करेंगे तो मैच जितना ओना ही मुश्किल हो जाएगा उन्होंने। बड़ा सौखा जहा कैच सी जड़ा हरजीत सिंह ने मिस करता। इतने फील्ड से तब्दीली, अगली गेंद बाहर जाते हुए देखा। बल्लेबाज उम्मीद कर रहे थे अंपायर वाइड देंगे, बट अंपायर का इशारा बॉल लाइन के अंदर सी। क्विक डिसीजन इतने साडे अंपायर का, सर्टिफाइड अंपायर है साडे मैच दे। ते बहुत ही सोहनी अंपायरिंग की इन्होंने पूरे टूर्नामेंट से। अंकलेश्वर 11 बहुत वधिया शॉट घुमा के दे मारिया है, ते उन्नी वधिया फील्डिंग, दो रंग दी मांग ते सक्सेसफुली दो रंग कंप्लीट किए। ते एक अपील पर अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। दो ओवर तीन बॉल तो बाद स्कोर 16 रन एक विकेट के नुकसान ते अंकलेश्वर 11। बहुत ही ठोस शुरुआत, धीमी लेकिन ठोस। विकेट बचा के रखने होंगे अगर इस मैच में बड़ा स्कोर बनाना है तो, क्योंकि मैजिक ओवर एक वरदान साबित होता है। फिर से एक बार आउटसाइड ऑस्टम, इस बार एम्पायर ने अपने हाथ खोल दिए हैं, वाइट का इशारा। अतिरिक्त की रन संख्या में इजाफा एक और कुल रन संख्या 17 एक विकेट के नुकसान पर। सोनू सिंह का विकेट चटकाया था बॉबी सिंह ने, अमृत सिंह लबाना के हाथों कैच आउट हुए थे एक रन के स्कोर पर। उसके बाद जसपाल सिंह आए जिन्होंने अब तक 7 गेंदों का सामना किया, 10 रन बना चुके हैं और 2 धमाकेदार चौके लगा चुके हैं। फिर से एक बार कोशिश उठा के मारने की लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उतनी ही तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बहुत ही सूझबूझ से लाइन लेंथ लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं कोई स्कोर करने का। अमृत सिंह लबाना बड़े युवा बॉलर, गरम खून। बहुत ही वधिया शॉट है थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा से फील्डर मौजूद, एक रन नाल खुद संतुष्ट करना पड़ा। तो उन्नी वधिया फील्डिंग इतने फैन भगत सिंह दे मनिंदर सिंह द्वारा। 6.35 की औसत से आगे बढ़ रहे हैं अंकलेश्वर 11 के खिलाड़ी। 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, बहुत बढ़िया शॉट स्क्वेयर लेग की दिशा से, कोई फील्डर नहीं, नो मैच लैंड, 2 रन की डिमांड तो मैनू लगता बड़े आराम नाल 2 रन चुरा लेंगे। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तो इस तरह नाल 3 ओवर की समाप्ति तो बाद स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान से अंकलेश्वर 11। मैच बनया होया 3 ओवर से महज 20 रन दिते आ फैन भगत सिंह 11 ने, जिन्होंने टॉस जित के गेंदबाजी करने का फैसला लिया सी। ते रन रेट ते उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल रखा है, बहुत ज़्यादा स्कोर बनाने नहीं दिया है अब तक। 6.67 की औसत बहुत ही कम होती है 6 ओवर के
मैचेस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे जिस तरह के स्कोर्स इस ग्राउंड से वेखे, एवरेज स्कोर 80 to 90 के विच एक डिफेंडेबल स्कोर रहता है, उस तो घट जो स्कोर होता है ईजीली चेज कर लेंदी ओपोनेंट टीम। बट मुझे लगता है इंद्रजीत ये प्रेशर गेम है और इसमें बड़ा स्कोर होने की उम्मीद बहुत कम है, लो स्कोरिंग मैच होना होगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अंत तक जाएगा ऐसा एहसास हो रहा है। सही कह रहे हो तुसी, बिल्कुल रविंद्र बाजी। अंकलेश 11 की आधी पारी समाप्त हो चुकी है, 3 ओवर हो चुके हैं, अगले 3 ओवरों में 2 नॉर्मल ओवर्स और 1 मैजिक ओवर होगा। घुमा के मार दिया है डीप स्क्वायर लेग में, 6 रन के लिए फ्लैट 6। जसपाल सिंह जिन्होंने 10 बॉलों से 17 रन बनाया, तो नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली बॉल लेके आते हुए जसप्रीत सिंह, धमाकेदार तंदूरी बल्लेबाजी यहां पर, 10 गेंदों में 17 रन, इस बार ऊपर उछाल दिया है, बॉलर उसके नीचे है और आसान सा कैच लपक लिया जसप्रीत सिंह ने अपनी गेंदबाजी पर और बहुत बड़ा विकेट हासिल किया जसपाल के रूप में। गेम रेट बराबर रखन, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर हासिल किया। अगले बल्लेबाज भोला सिंह, घुमा के दे मार रहा है डीप स्क्वायर लेग की दिशा से, 19 बढ़िया फील्डिंग उथे, 2 रन की डिमांड से सक्सेसफुली उन्होंने 2 रन चेस किए, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स से 19 बढ़िया फील्डिंग बंटी द्वारा फैन भगत सिंह 11 दे। स्लोअर गेंद और चकमा दिया और बाल बाल बचे, कंप्लीटली बीट हो इत्थे भोला सिंह, जसप्रीत सिंह दी बॉल नू बिल्कुल ही नहीं पड़ पाया। दो रन की डिमांड तो मैनू लगता सक्सेसफुली 2 रन ले लेंगे, बहुत ही वधिया रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड बहुत ही वधिया प्रेजेंस ऑफ माइंड इत्थे भोला अंकलेश्वर ते कवल सिंह दे विच, बहुत वधिया तालमेल। 3 ओवर 5 बॉलों तो बाद स्कोर 30 रन 2 विकटां दे नुकसान दे। फिर से एक बार इत्थे अपील और जसप्रीत सिंह ने ले लिया। रन 3 विकटां दे नुकसान थे। यहां पर लाइट्स का कोई प्रोविजन नहीं है,
घुमा के दे मारिया है काफी उच्चा स्कोर दिशा दे सिक्स बहुत ही बड़ा सिक्स फिर से एक बार उठाने की कोशिश उसी दिशा में इस बार फील्डर नीचे लेकिन फिर से एक बार नाकामयाब रहे अच्छी कोशिश रही लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 तीन विकेटों के नुकसान पर काफी अच्छा प्रेशर बना के रखा हुआ है अंकलेश्वर 11 की टीम के ऊपर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है थे बॉलर देवेंद्र द्वारा स्ट्रेट ड्राइव ने रोकिया पीछे कोई फील्डर नहीं सी जब मिस होती तो सीधा चार रन जाने सी पिछला ओवर बहुत ही कामयाब ओवर 10 रन दिए और 2 विकेट चटकाए जसप्रीत सिंह ने और अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर को बीट करते हुए गेल बाउंड्री के बाहर जा रही है देखना है चार रन होते हैं कि नहीं जी बिल्कुल चार रन हो गए ने ते स्कोर ते होर इजाफा चार ओवर चार बॉल तो बाद स्कोर 41 रन तीन मना दे तीन विकेटों के नुकसान थे पांचवा ओवर जा बहुत ही बढ़िया बॉल थे देवेंद्र बारा हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश रन रेट बढ़ाने की कोशिश लेकिन बहुत ही सूझबूझ से किफायती बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हैं फैन भगत सिंह के देवेंद्र सिंह फ्लैट शॉट सीधा बॉलर के ऊपर से और बहुत ही मुस्तैद फील्डिंग यहां पर जसप्रीत द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एथे की थी उन्होंने अपनी टीम लिए रन बचाए है मैं इतने दसना चाहवागा कि अंकलेश्वर 11 जी हैगी KPL सीजन 1 के विनर्स रह चुके हैं तो दूजी बार ऐतकी फाइनल से उन्होंने प्रवेश किया है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो KPL सीजन 6 पांच ओवर की समाप्ति तो बाद स्कोर 43 एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स तो हूँ 6 ओवर शुरू होने वाला है जो बाय डिफॉल्ट मैजिक ओवर रहेगा मैजिक ओवर के रूल सू पता ही है हर रन जड़ा बैट तो आएगा वो इंटू टू हो जाएगा ते हर विकेट ते स्कोर 2 रन तो घट कर दिता जाएगा ये आखिरी ओवर मैजिक ओवर होगा जिसमें स्कोर डबल कर दिया जाएगा और ये मैच का टर्निंग पॉइंट किसी इनिंग का टर्निंग ओवर होता है देखते हैं इसमें कितना इजाफा कर पाएंगे इस वक्त स्कोर है 43 तीन विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी की टीम विकेट लेने के चक्कर में और स्कोर घटाने के चक्कर में गेंदबाजी करेगी सटीक लाइन और लेंथ के साथ और उसी तरफ से अंकलेश्वर 11 के खिलाड़ी बल्लेबाज अपने स्कोर को दुगना करने की कोशिश करेंगे रोमांचक ओवर होने वाला है ये आखिरी ओवर KPL सीजन 6 का फाइनल मैच का पहली इनिंग का ये आखिरी ओवर फैन भगत सिंह बिली मोरा दी टीम नो रिक्वेस्ट है फील्ड जल्दी सेट करन ते मैच जल्दी प्रोसीड करन ऑन द चांस ने करमजीत सिंह आए हैं आखिरी ओवर लेकर बहुत ही बढ़िया बॉल थे उन्ना ही बढ़िया शॉट सिक्स रन पहली बॉल थे एक बड़ा छक्का के साथ इस पहले गेंद का स्वागत सिंह 11 नो रिक्वेस्ट है मैच जल्दी प्रोसीड करन नहीं तो बैट लेटे चल दे उन्हें काट ओवर मिलेंगे बैटिंग करन ली थोड़ी सी फुर्ती दिखानी होगी सभी के बल्लेबाजों को गेंदबाजों को दोनों टीम के प्लेयर्स को 12 रन जोड़ दिए गए स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 तीन विकेटों के नुकसान पर
स्लोअर गेंद, कट करने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर का, यानी अभी भी 5 मैजिक बॉल्स बाकी हैं। 55 पर है अंकलेश्वर 11 की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शॉट थे, घुमा के दिता या कैच दी पूरी कोशिश जसप्रीत सिंह द्वारा, पर 20 मिस होया, पर अपनी टीम लिए वधिया उन्होंने एक बाउंड्री सेव की है। तो इस बीच सानू रिक्वेस्ट आई है नरदेव सिंह द्वारा, जेडे अंकलेश्वर 11 के टीम ओनर है, कि मैजिक ओवर के हर बाउंड्री से भावें 4 हो या 6 हो 1100 रुपये का इनाम, तो होर एक 6 फाइन लेग के उपरी डायरेक्ट किया है बल्लेबाज कमल सिंह ने। तीन विकेट के नुकसान पर 3 गेंद शेष, फिर से एक बार घुमा दिया है होल से उसी दिशा में, और ये तीसरा छक्का। आज टाइमली प्रोसीड करन, 29 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से, स्कोर 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 2 गेंदे शेष। मैजिक ओवर क्या कमाल कर सकता है आप देख रहे हैं, आखिरी 2 गेंदे, और फिर से एक बार घुमा के मारने की कोशिश लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। 2 रन का कॉल है और बहुत ही आसानी से 2 रन यहां पर हासिल कर लिए, स्कोर का इजाफा 4 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार स्लोअर गेंद, स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, वहां पर अच्छे से फील्ड की गई और दौड़कर 2 रन ले लिए गए हैं। तो 6 ओवर की समाप्ति तो बाद अंकलेश्वर 11 का स्कोर है 90 रन एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो मैं रिक्वेस्ट करांगा अंकलेश्वर 11 की टीम्स नू फील्ड प्लेसमेंट बहुत जल्दी करन, ते फैन भगत सिंह बिली मोरा दे कप्तान नू मैं रिक्वेस्ट करांगा अपने ओपनिंग बैट्समैन नू।
क्रीज पर मौजूद। 51 का लक्ष्य, 5 ओवर और 91 रन का लक्ष्य। आगाज किया जा रहा है फाइनल मैच की दूसरी इनिंग का। फाइनल द प्रेशर, पहली मिसफील्ड थे भैया, दो रन आराम नाल चुरा ले थे फैन भगत सिंह 11 दे बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज ने ते अपना खाता ते अपनी टीम का खाता पहली बॉल से ही ओपन करता है। केपीएल सीजन 6 का फाइनल, अंकलेश्वर 11 वर्सेस फैन भगत सिंह 11 बिली मोरा। जसप्रीत सिंह ने पिछले 5 इनिंग्स में 6 विकेट हासिल किए, बहुत ही बढ़िया लॉफ्ट करने की कोशिश पर बॉल उत्ते जाके खड़ी हो गई सीधा, इतने बड़ा सिंपल जा कैच इन्होंने देता है ते मनिंदर सिंह ने अपना विकेट गवाते थे। फैन भगत सिंह का पहला विकेट गिरा है मनिंदर सिंह के रूप में और जल्लू सिंह ने उनका विकेट हासिल किया, बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही शुरुआती झटका यहां पर देते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल मैच केपीएल सीजन 6 का अंकलेश्वर 11 और फैन भगत सिंह के बीच प्रेशर सिचुएशन, इट्स अ गेम ऑफ टेस्ट ऑफ नर्व्स। अगले बल्लेबाज करमजीत सिंह, बहुत ही शुरुआती झटके के बाद यहां पर क्रीज पर मौजूद, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं करमजीत सिंह, सामना करेंगे जल्लू सिंह का। बहुत ही आक्रामक फील्ड सेटिंग यहां पर कर रखी है, बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं घेरे के बाहर निकलने के लिए, और इसी तरह का प्रेशर अगर क्रिएट किया तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा बल्लेबाज जिसकी राह देख रहे हैं और दूसरा विकेट की उम्मीद में। स्ट्राइक से आगे जसप्रीत सिंह, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है। कुमार के मारन दी शॉट डेट कोशिश, शॉट फाइन लगता पर एक प्लेयर अगे थे उन्हें सटीक कैच ले थे एक और विकेट। और उनका स्थान लेने के लिए आए हैं दविंदर, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। दविंदर ने अब तक 5 मैचों में 26 रन, 26 के औसत से लेकिन 236 की स्ट्राइक रेट से खेला है। कुमार के मारने की कोशिश, फील्डर के हाथ में और ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, फील्डर्स के रिएक्शन को देखकर लग रहा है बहुत ही करीबी मामला, बाल बाल बचे। और सबसे आखिरी जो यहां पर घटना अगर कोई हो सकती है और जिसके लिए फैन भगत सिंह बिलीमोरा की टीम बिल्कुल तैयार नहीं होगी, वो है रन आउट। आपका क्या कहना है इंद्रजीत? बिल्कुल बिल्कुल, घुमा के दिया है पीछे कवर फील्ड पर जो है, एक बाउंस ते बाउंड्री रोप तो बाहर 4 रन।
स्टार्ट दी है अपनी टीम नू इत्थे दो विकटा लैके अपनी पहली ओवर च ते प्रेशर पूरा दा पूरा पाता है फैन भगत सिंह 11 दी टीम दे उत्ते। मोनू सिंह अगले गेंदबाज बहुत ही किफायती और नबी तुली आक्रामक गेंदबाजी करते हैं राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट वाइड का इशारा अंपायर का बहुत ही वड्डी वाइड का इशारा है थे अंपायर द्वारा प्रेशर 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 रवि जी प्रेशर अतिरिक्त की संख्या में इजाफा एक स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 दो विकेट के नुकसान पर बिल्कुल इंदरजीत बहुत ही प्रेशर सिचुएशन है और यहां पर बल्लेबाज के कैरेक्टर की टेस्ट होती है जितना काम और कंपोज बल्लेबाज होगा उतना ही सफल बल्लेबाज होगा यहां पर हल्के से प्लेस किया नाल फ्लिक किया पॉइंट की दिशा बहुत ही जबरदस्त होता होता बचा एक और बिल्कुल जॉन्टी रोड्स की याद दिलाते हुए यहां पर बिल्कुल 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 मिड ऑन दी दिशा च एक शॉट रन आउट दा होर एक मौका गवाता है थे पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है थे अंकलेश्वर 11 दे प्लेयर्स द्वारा बहुत ही नाइस थ्रो जस्सी द्वारा क्यों लग रहा है इंद्रजीत के और एक रन आउट के आसार यहां पर बन रहे हैं सुखमन प्यार से मुझे इंद्रजीत कहते हैं फिर बाप घुमा के शॉट लाने की कोशिश पर पूरी तरह बीट हो थे बैट्समैन करमजीत सिंह बहुत ही वधिया बॉलिंग दा नजारा सानू देखने तो मिले थे मोनू सिंह तो जिन्होंने तीन बॉलों से सिर्फ दो रन दिते आ ते अपनी टीम दी पोजीशन नू होर स्ट्रोंग किया इतने पैन भगत सिंह का स्कोर 10 दो विकेट नुकसान पर हल्के से प्लेस किया पीछे कनेक्ट नहीं कर पाए बहुत ही मुस्तैद फील्डिंग यहां पर और हर एक फील्डिंग पर उनके खेमे से प्रशंसा शेयर अप किया जा रहा है पूरी टीम को बिल्कुल रवि जी बिल्कुल फील्ड का एक एक प्लेयर अपना 100% दे रहे थे कि ये ट्रॉफी वो चांद देने की वो जीत के जान चार ओवर दो बॉल 80 गेंद 80 रन की लोड़ इतने फैन भगत सिंह 11 बिली मोरा लॉफ्ट करने की कोशिश कट होके स्लिप की दिशा च गया प्लेयर मौजूद पर फिर भी एक रन बड़े प्यार नाल उन्होंने चुरा लिया जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी यहां पर फील्डिंग का भी मुजाहरा कर रहे हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल बिल्कुल रवि जी बिल्कुल बिल्कुल फाइनल द प्रेशर इस वक्त क्लीयर दिख रहा दिस रहा सानू फैन भगत सिंह दे बल्लेबाजा दे उत्ते जिन्होंने दो अर्ली विकेट्स गवाते हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि शुरुआती 5 ओवर तक भी 40 या 45 का स्कोर बना था और उसके बाद आखिरी ओवर में 45 का स्कोर बनाकर 90 रन का स्कोर टच कर लिया था तो बहुत सारी उम्मीद है अभी भी लॉफ्ट करने की कोशिश है थे पर बॉल उत्ते जाके खड़ी हो गई है पीछे फील्डर ने कॉल किया है कि जज कर पाएंगे और इतने मिसफील्ड एक मिसफील्ड इतने हो गई है अंकलेश्वर 11 के प्लेयर्स तो क्या ये कब छूटा है इनके हाथ से कुछ कह नहीं सकते वीर जी हले अर्ली स्टार्ट है दो विकेट गवाते ने ऑलरेडी फैन भगत सिंह के प्लेयर ने उन्होंने जो स्टार प्लेयर थे दो जसप्रीत सिंह मुझे फाइनल में जब ऐसे कैच छोड़ते हैं तो स्टीव वॉक की याद आती है जो फाइनल में कौन था वो साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर था जिसका कैच छूटा था बहुत ही शानदार शुरुआत हुई थी लेकिन वो कैच के बाद पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खेमे में तब्दील हो गया था और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन हुई थी उस साल
12 रन दो विकटा के नुकसान थे। प्रेशर पूरा तो बिल्ड हो गया है। चार ओवर से उन्होंने 79 रन की लड़ इतने KPL सीजन 6 की ट्रॉफी अपने नाम करन ले। बहुत ही महंगा पड़ सकता है ये कैच। देखना है आगे क्या अपने इस जीवनदान को एक बड़े मौके में तब्दील कर सकते हैं। अगली घुमा के दे मारे थे पीछे, शॉट पीछे, नीचे फील्डर मौजूद, देवेंद्र सिंह हो गए आउट। लॉफ्ट करने की कोशिश, डीप स्क्वायर लेग से फील्डर मौजूद, एक रन नाल बैट्समैन नु अपने आप नु संतुष्ट करना पड़ना। विकेटों से क्या कमाल हो सकता है लखविंदर, आप देख रहे हैं कितनी स्फूर्ति। और हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, एकदम स्पार्क देखने को मिल रहा है सभी फील्डर्स के बीच, जबरदस्त एक्साइटेड है। मैं इत्थे एक जरूरी गल कहना चाहवांगा, साडे विच एक KPL सीजन 6 असी जो कर रहे हैं, इट इज़ फॉर अ गुड कॉज, एजुकेशन सपोर्ट टू द नीडी। उस तो पहला भी जो गुरद्वारा साहब की कंस्ट्रक्शन हुई है तो साडे विच एक बढ़ चढ़ के डोनेशन करने वाले लवलीन टंडन जी इत्थे अपनी पूरी फैमिली नाल आए हैं, तो मैं सारिआं नूं रिक्वेस्ट करांगा कि तालियां नाल उहदा स्वागत करन ते उहनां दी हौसला अफजाई करन। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। इस विच अगली गेंद हल्के से प्लेस किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक रन का मौका, आसानी से एक रन पूरा किया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 तीन विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, मैनू लगता रवि जी तीन विकटों तो बाद जोड़ा कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिले अंकलेश्वर 11 के प्लेयर्स नू, वो उन्होंने फील्डिंग से दिखाई दे रहे। बिल्कुल, जो स्पार्क फील्डिंग में दिख रहा है वो अपने आप में ये साबित कर रहा है उनकी स्फूर्ति उनकी ऊर्जा का। अगे बढ़ के लॉन्ग ऑफ की दिशा से शॉट लाने की कोशिश पर कंप्लीटली बीट हो, तीन ओवर की समाप्ति तो बाद 15 रन तीन विकटा के नुकसान थे। फैन भगत सिंह 11 हूँ अगले तीन ओवर से 76 रन की लड़, यह मैच ये टूर्नामेंट अपने नाम करन लई, ते अंकलेश्वर 11 75 रन डिफेंड करने ने विनर अपने नाम कर। अंकलेश्वर 11 को मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 18 गेंदों में 6 गेंदें मैजिक गेंदें होंगी और पहली इनिंग में 47 रन बने थे 6 ओवर 6 गेंदों के अंदर उन मैजिक स्पेल के दौरान। तो बहुत ही बड़ा मौका अभी आना बाकी है, विकेटें बचाकर रखनी होगी और थोड़ा स्कोर को 40 के पार पहुंचाना होगा अगले दो ओवरों में। बिल्कुल, कुमार के दे मारे लॉन्ग ऑन की दिशा, पीछे फील्डर मौजूद, लगता है एक और विकेट है